Dear students, assalamu alaikum. Hope you will be greatly blessed with health. And today's our topic is Vakar Dynasty, and it's a sixth lecture of this topic. And let's try to understand what's our activities. Today's activity is about the book activities, page number 28 and 29. First, we have the definition of the sentence. A sentence is a set of words. It means in a sentence we have a words, different words. यानी कि एक sentence में हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं. एक्सप्रेसिंग अ स्टेटमेंट, जो एक बात को बयान कर रहे होते हैं, या कोई क्वेश्चन है या कोई एक आर्डर है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है. अनदर थिंग दैट आई वांट टू ऐड हियर, अ सेंटेंस हैज प्रॉपर मीनिंग अ सेंटेंस. जब हम एक सेंटेंस की बात करते हैं, इट मीन्स कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स के जिनके क्या है प्रॉपर मीनिंग और से कोई हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलती हो, दैट इज़ कॉल्ड द सेंटेंस. सेंटेंस हैज प्रॉपर मीनिंग आर सेंस, यानी कुछ अल्फाज जिनसे हमें प्रॉपर मीनिंग और सेंस मिलती हो, यानी कि उससे अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या हो प्रॉपर हो, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस. ओके, वकार इज एन ऑनेस्ट बॉय. दिस इज अ स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, एंड व्हाट डू वी कॉल इट, स्टेटमेंट. Okay. It tells us about something or someone. It ends on a full stop. Here we can see that it ends on a full stop. यानी कि एक ऐसा sentence, एक ऐसा words का group है या set है जो हमें मुकम्मल बात, जो हमें मुकम्मल बात बताते हैं किसी शख्स के बारे में और या किसी चीज़ के बारे में. That is called the statement. That is called the statement, sentence, simple sentence. Next we have the हाउ आर यू फीलिंग. हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आप. दिस इज़ अ क्वेश्चन, एंड इफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड टेल अस अबाउट, आस्क अबाउट समथिंग आर समवन, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें किसी चीज़ के बारे में पूछने या किसी पर्सन के बारे में पूछे, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम सेंटेंस की कौन सी फॉर्म कहेंगे, क्वेश्चन. इट एंड्स ऑन अ क्वेश्चन मार्क, हियर वी कैन सी दैट क्वेश्चन मार्क, यानी कैसे सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं. जो लास्ट, जिनके लास्ट में क्या हो क्वेश्चन मार्क हो. हुर्रा वी वन द ट्रॉफी, इट मीन्स दिस सेंटेंस शोज सम एक्सप्रेशन फीलिंग्स, यानी कैसे सेंटेंस जो हमें कुछ फीलिंग्स के बारे में बताएं, खुशी की हो या दुख भरी, यानी कि हैप्पीनेस फीलिंग हो या सैड, आर मे बी सरप्राइज वन. ओके, इन दिस सेंटेंस वी यूज दिस साइन, दिस साइन इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेशन साइन. बोथ आर यूज फॉर दिस वर्ड, एक्सक्लेमेशन साइन. एंड नॉर्मली दिस सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि ये सेंटेंस के क्या हैं, दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट लाइक दिस सेंटेंस, हुर्रे वी हैव वन द ट्रॉफी, हम ट्रॉफी जीत चुके हैं. ओके, दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस शोज द फीलिंग फॉर समथिंग आर समवन, यानी कैसे सेंटेंस हमें किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में कोई फीलिंग्स को शो करते हैं. और इन इट एंड्स ऑन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि इनके लास्ट में क्या यूज़ होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस. नेक्स्ट वी हैव द सिट क्वाइटली, इट मीन्स ये क्या है, आर्डर है या कमांड है, गाइडेंस है टू डू समथिंग. इट शो समथिंग सेट टू बी डन, यानी कि कुछ कहा गया है करने के लिए. जब इट मीन्स के हुक्म है, इट एंड्स ऑन फुल स्टॉप, ये इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. ओके, दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द कमांड. Dear students, these are the four types of the sentences. One is statement, second one is
question, third one is exclamation, and fourth one is command. स्टेटमेंट में सिंपल जो सेंटेंस है हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. क्वेश्चन में हम कोई सवाल पूछते हैं, एक्सक्लेमेशन में हम कोई अपने फीलिंग्स को शो करते हैं, और लास्ट वन इज कमांड जिसमें हम किसी काम करने के लिए हमें कहा जाता है या हम कहते हैं किसी. दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड कमांड. ओके, नेक्स्ट वी हैव, this is a question of the book activity page number 28 and 29. Read the sentence carefully, identify the mark and write the types of the sentences. Sentence, statement, question, exclamation, command. Point number one, the birds are flying in the air. It means ye simple statement hai birds ke bare mein. This is called a statement. Point number two, wow, how fresh rose it is. Yani ki wow, वाह कितने शानदार या कितने ताज़ा हैं गुलाब के फूल. दिस काइंड दिस इज इट मीन्स दिस सेंटेंस शोइंग सम फीलिंग एंड दिस सेंटेंस इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन सेंटेंस. पॉइंट नंबर सी, डिड यू गेट योर मनी बैक. इट मीन्स इट एंड्स ऑन अ क्वेश्चन मार्क. इट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन. वॉश द क्लॉथ, कपड़ों को धोएं. इट मीन्स आर्डर है कुछ काम करने के लिए कहा गया है. सो इट मीन्स दिस सेंटेंस इज कॉल्ड कमांड. व्हाट अ प्रीटी चाइल्ड, इट मीन्स कि कितना प्यारा बच्चा है. इट मीन्स कि ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है, यानी कि कुछ हमारे जज्बात को शो करते हैं. नेक्स्ट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज सेंटेंसेज. पॉइंट नंबर वन, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर स्टेटमेंट. Wow, how fresh rose it is. This is the exclamation. Did you get your money back? Question. Wash the cloth. Command. What a pretty child. Exclamation. Dear students, next we have the another activity. Make sentence, make statement, question, exclamation or command. Do you? Okay, this is a, we have, it means ke humne ek statement banani hai jo question, yani ki hum isme as words use karenge फॉर मेकिंग अ क्वेश्चन स्टेटमेंट. यानी कि सवाल पूछने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे. यू हैव टू कम्प्लीट इट बाई योर ओन सेल्फ. गो एंड डू योर वर्क, गो एंड सिट ऑन योर चेयर, डिफरेंट वेज. आई डेली ब्रश माई टीथ, आई डेली वेकअप एट 6 o'clock, आई डेली ऑफर द प्रेयर्स, आई डेली रिसाइट द होली कुरान. डिफरेंट सेंटेंस यू कैन मेक. ओ आई लॉस्ट माई money. Oh, I forgot my book at my home. Oh, I didn't perform well in the test. Are they coming to our home? Are they going to Lahore? Are they not coming to school? Are they playing cricket? Dear students, these are the some sentences and you have to do these activities on your book and try to understand these activities properly, and it's very important and it's used in our language properly. And try to make understand and take care of yourself. Allah Hafiz. Thank you.